हरिद्वार में लगातार अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने अवैध धार्मिक ढांचों और दुकानों को ध्वस्त किया है। प्रशासन की कार्यवाही से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर एसडीएम पूरन सिंह राणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम ने व्यापक स्तर पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार के लालजी वाला में अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत 7 अवैध धार्मिक ढांचों और सैकड़ों की संख्या में अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। व्यापक स्तर पर हुई इस कार्रवाई के बाद से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इसके अलावा जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर सप्तऋषि बंधा निकट लालकोठी के आसपास पंजाब और हरियाणा के लोगों ने अवैध निर्माण किया था, जहां लगभग 7 धार्मिक ढांचों को भी धराशायी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।